हाय गाइस, चलिए इस वीडियो में अपन HR1 में लीव कैसे अप्लाई करें वो चीज़ आपको बताऊंगा मैं। तो जैसे ऐप HR1 है, आप ओपन कर लीजिए। यहाँ से प्लेस ऑप्शन दबाइए। यहाँ प्लेस ऑप्शन, जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था मैं, इनकेस फॉरगेट पंच किया तो उसको कैसे रेगुलराइज करें, फॉरगेट पंच मतलब पंच भूल गए तो उसको कैसे रिक्वेस्ट करके आप रेगुलराइज कर सकते हो। उसके लिए दो चॉइस है, आप महीने में उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये तो प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था, इनकेस आप लोग नहीं देखे तो देख सकते हो। तो इसको इस वीडियो में अपन लीव कैसे अप्लाई करें, तो लीव का यहाँ पे ऑप्शन है तो इसको दबा दीजिए आप। लीव का दबाने से ऐसा वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो लीव का कुछ रूल है आपको बताऊंगा मैं। जितना भी अपना लीव बैलेंस है, पिछले महीने का बचा हुआ सो लीव है, दो तीन जो भी है, आप अप्लाई करने से मतलब इनकेस आप 5 तारीख का लेना चाहते हो छुट्टी, ठीक है, तो आप लोग सेम डे करना चाहिए। इनकेस कोई इमरजेंसी में गया तो नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, बस 2 दिन में के अंदर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। इनकेस अप्लाई नहीं किया तो ये लीव आपको जो मंथली बैलेंस हो गया, जो जनरेट होगा लीव, अप्लाई नहीं होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा, वो एडजस्ट नहीं होगा। मेरा कहना ये है एडजस्ट नहीं होगा, तो आप ध्यान में रखिए। 2 दिन के अंदर इसको आप अप्लाई कर लीजिए। इनकेस मैं 5 तारीख का लीव अप्लाई करना चाहता हूँ 1 दिन का, तो फ्रॉम टू डे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 1 दिन का मान लीजिए तो 1 ही हो गया ना, ठीक है। अगर से आपको 2 दिन का करना है तो आपको फ्रॉम टू डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको बताऊंगा मैं, 5 तारीख से 6 तारीख तक 2 दिन हो गया, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और मुझे 1 दिन का ही लेना है, तो यहाँ पे मैं 5 तारीख सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम हो गया टू सेम डे, फ्रॉम टू डे एक ही दिन हो जाएगा, ठीक है। तो 5 तारीख का सेलेक्ट कर लिया और उस पर नेक्स्ट कर दिया मैंने, तो फुल डे ले लूँगा। और यहाँ पे मुझे कैजुअल लीव, तो मेरा जो बचा सो लीव 2 था उसमें 1 यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे कमेंट्स में लिखिए और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो भी लीव लोगे तो अपना HOD और HR को इन्फॉर्म करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनफॉर्मड लीव करके लिखूँगा, उसके बाद पर्सनल करके लिख दूँगा मैं, ठीक है। तो ये है पर्सनल लीव करके लिख देता हूँ, ताकि जो भी इसको एक्सेप्ट करे, अपना HOD हो गया और HR हो गया, इसको देख के उसको समझ में आया चलो इन्फॉर्म किया था, ओके, और पर्सनल लीव हो गया। जो भी अपना जो रिमार्क है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबमिट रिक्वेस्ट करने से ये रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो आप, रिक्वेस्ट में जाके पेंडिंग जितना ही है, यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, पेंडिंग रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो मैं बार बार वो यही बोल रहा हूँ कि आप सेम डे और नेक्स्ट डे 2 दिन के अंदर आप लीव अप्लाई कीजिए, ठीक है, नहीं तो लीव आपका एडजस्ट नहीं होगा, यही मैं बोल रहा हूँ। इनकेस आप मान लीजिए आपको ये भी डाउट आएगा, इनकेस मंथली 1 लीव जो बच्चा है वो नहीं अप्लाई किया, 1 दिन का छुट्टी था वो कट गया, तो वो लीव बचेगा या क्या होगा, नहीं वो कोलैप्स नहीं होगा, वो नेक्स्ट मंथ में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो लीव का पॉलिसी है वो ईयरली वो एक्सपायर हो गया हो जाएगा, लाइक अप्रैल टू मार्च, ठीक है, मार्च के बाद वो कोलैप्स हो जाएगा। तो मंथली 1 है, अब आपका विश है, आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये है लीव कैसे अप्लाई करें और क्या करें। तो मैं पूरा 3 वीडियोस बनाया था, कैसे लॉगिन करें HR1 और कैसे फॉरगेट पासवर्ड करके लॉगिन करें, और नेक्स्ट वीडियो में अटेंडेंस कैसे चेक करें, एंड फॉरगेट आप पंच मिस कर दिया तो कैसे रेगुलराइज करें, और ये है मेरा 3rd वीडियो, इसमें कैसे लीव अप्लाई करें ये मैं बताया था। बस ये वीडियो इसलिए कि आप लोगों को क्लियरली ये समझ में आने के लिए बस ये मैं किया हूँ, ठीक है। तो थैंक यू आप लोग, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो ओके, थैंक यू।